टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। दोस्तों आज हम बात करेंगे इनकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में दोस्तों अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, तो चलिए हम उसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि आप लोग कंपनी के बारे में यहाँ बताया गया है कि कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, कंपनी का बैकग्राउंड यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, नीचे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो चलिए हम डिटेल से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ जो आई हुई है दोस्तों, वहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि आप लोग का सिविल इलेक्ट्रिकल SNT होना चाहिए दोस्तों। देखिए सिविल में 12 सीट दिया गया है, इलेक्ट्रिकल में 4 सीट, SNT में दिया गया 3 सीट। देखिए दोस्तों, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन ब्रांचों में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों का टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में देखिए क्या है कि सिविल की 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 सीटें हैं, SNT की 2 सीटें हैं, टोटल यहाँ पे 12 सीट दिया गया है इसमें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल दिया गया है 19 सीट दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपका क्या दिया गया है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों 1/8/2022 के अकॉर्डिंग आपका चाहिए, मतलब अब तक कंप्लीट होना चाहिए, आपका कोई एग्जाम बचा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एज आपका मिनिमम होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पे 30 साल होनी चाहिए 1/8/2022 के अकॉर्डिंग। और देखिए दोस्तों, आप लोग एज में छूट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को 10,000 पर मंथ मिलेगा और यहाँ पे टेक्नीशियन वाले यानी डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 8,500 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि रिजर्वेशन भी SC ST OBC को देखने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू एज क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी दोस्तों आपका रिजल्ट अवेटेड वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को बता दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग कैंडिडेट विल हैव टू मेक दियर ओन स्टे अरेंजमेंट्स। देखिए दोस्तों, आपको खुद का सब कुछ रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, 9वां पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि द एप्लीकेंट शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड मोर देन 3 ईयर्स आफ्टर पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, आपका 3 साल या उससे ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि 2022, 2021 और 2020 एंड ऑन आफ्टर 1 अगस्त 2019 के बच्चे जो है यही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दिया गया देयर विल बी नो इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, आपका परसेंटेज बनाया जाएगा, उसके आधार पर आप लोग शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग को वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि सभी कैंडिडेट को MHRD NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को NATS में रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जी दोस्तों, आप लोग को जहाँ परसेंटेज रिक्वायर्ड हो दोस्तों वहाँ पर आप परसेंटेज भरेंगे, जहाँ CGPA रिक्वायर्ड है दोस्तों वहाँ पर आप CGPA भरेंगे, जैसा कि आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज से वहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। दोस्तों, रिलेटेड कैंडिडेट बिन फील इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल और दिया गया दोस्तों की अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड वेबसाइट, यानी दोस्तों आपके रिकॉर्ड की वेबसाइट पर भी यहाँ पर आप लोग को अपलोड किया जाएगा लिस्ट, आप लोग को ईमेल भी वहाँ पर किया जाएगा, तो आप लोग हमेशा अपना ईमेल चेक करते रहें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। देखिए दोस्तों, और भी दिया गया है कि आप लोग को मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देना होगा, तो कोई बात नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है दोस्तों कि आप लोगों को अपना फुलफिल करना होगा जो भी क्राइटेरिया दिया गया, जैसे कि आप लोग डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2 दिया है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट दिया गया हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। कैंडिडेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, HR एंड करियर सेक्शन आपको यहाँ पे इरकॉन की वेबसाइट पे जाना होगा दोस्तों, और वहाँ के थ्रू आप लोगों का अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट विल हैव टू करेक्टली डिक्लेयर दियर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन दियर बर्थ सर्टिफिकेट और मैट्रिक सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे दिया गया है, और देखिए 4 नंबर दिया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए स्कैंड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो साइज कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट ऑफ 100 KB इच अलॉन्ग विथ ए PDF एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, आपको ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, NATS का रजिस्ट्रेशन प्रूफ भी चाहिए दोस्तों, तो वो चीज़ आप वहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया कि मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि आप किस मेथड से जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जा करके आप लोगों को HR एंड करियर सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को सारे डिटेल चाहिए, आप लोग डॉक्यूमेंट भर के सारा अच्छे से यहाँ पे
अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे अप्लाई करेंगे दोस्तों और जल्द ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। अप्लीकेशन शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट डेट 17 अगस्त 2022। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट एट इरकॉन वेबसाइट। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 24/8/2022 दिया गया है। देखिए दोस्तों आपको कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा तो आप इस मेल पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपके एचआर होंगे, वहाँ पे आप लोग का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों को कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, लाइक करने के पैसे तो नहीं लगते हैं। और दोस्तों आप लोगों को और भी ऐसे वैकेंसियाँ मिलती रहेंगे दोस्तों, और भी एजुकेशन वीडियो और भी टेक्निकल टाइप की वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों की हेल्प जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।